नमस्कार, मैं स्वनी और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का जितना प्रयास कर ले वो नाकाफी है और वो कम है। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि डिजिटल एक्सरे कक्ष जो कि CSC हसनपुर में लगाया गया है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे कार्यरत है, लेकिन लगातार लोगों की शिकायत रहती है कि यहाँ पे जो एक्सरे कक्ष है वो तो या तो बंद रहता है या कभी कभी तो एक्सरे के जो हैं टेक्नीशियन वो आते हैं और एक दो घंटा रह के अपना यहाँ पे चले जाते हैं वापस। जब आज हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि जो आप देख सकते हैं एक्सरे कक्ष का जो ये मेन गेट है ये खुला हुआ है, लेकिन जब हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाना चाहेंगे कि एक्सरे कक्ष का जो अंदर का जो गेट है उसमें यहाँ पे ताला बंद है और एक्सरे कक्ष के जो टेक्नीशियन है वो यहाँ से फरार हैं और बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं। अभी 12 बज रहा है और वो यहाँ से फरार हैं। काफ़ी संख्या में जो पेशेंट है वो यहाँ पे एक्सरे कराने आते हैं और लौट जाते हैं। जब इस बारे में हमने यहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं प्रभारी उनसे बात किया तो उन लोगों ने कहा कि वो जो टेक्नीशियन है बिना किसी सूचना के यहाँ आज नहीं आए हैं। अब सर, PSC हसनपुर में जो एक्सरे है वो काफी दिनों से या तो बंद रहता है या लोगों की समस्या है कि कई दिन से लौट जाते हैं और आज ये बंद है। आज तो लगभग बंद पाएगा, हम तो काफी एक्सरे लिखे थे लेकिन एक भी रिटर्न होकर के नहीं आया एक्सरे। इस संबंध में क्या अभी पता चला कि वो बिना किसी सूचना दिए वो गायब है? वो लगातार बंद रहता है, कभी वोल्टेज की समस्या बताई जाती है तो कभी मशीन खराब। हाँ, तो ज्यादा वोल्टेज का समस्या बताया जाता है कि वोल्टेज कम रहने के कारण एक्सरे कम हो रहा है। इस संबंध में जो बढ़िया पदाधिकारी हैं उनको आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया है? हाँ, इनके द्वारा अवगत कराया गया है। जो एक्सरे बराबर गायब रहते हैं, एक्सरे का वोल्टेज लो रहता है, ये बड़ी पदाधिकारी को अवगत कराया गया है। आज दर्जनों लोग जो है वहाँ से लौट गए हैं, एक्सरे का बंद है। हाँ, तो अभी हमको इसका कोई सूचना दिया ही नहीं, लोग आएगा कि नहीं आएगा कोई सूचना नहीं है, बिना सूचना के अनुपस्थित है। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अरविंद कुमार, MOIC PSC हसनपुर समस्तीपुर। क्या नाम हुआ? परमिला देवी। कहाँ पर दिखवाए हैं अभी आप लोग? यहाँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हसनपुर में? हाँ। तो यहाँ पे क्या करने आए अभी? एक्सरे करवाने आए। एक्सरे करवाने? हाँ। क्या देख, एक्सरे हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? बंद है। कितना देर से आप लोग हैं? दो घंटा से। एक्सरे घर बंद है? बंद है। आए हैं एक्सरे कराने के लिए हसनपुर अस्पताल? हाँ, एक दिन और आए थे, घूर के गए थे। हाँ, उसी दिन बैठे बैठे 10 बजे से बैठे बैठे घूर के गए थे सांझ को। क्या बोला था उस दिन? कहा था कि लाइन नहीं है, बस चल गए। आज आए तो? आज तो आज बंद है। कहाँ से आए? शीश। क्या नाम है? शांति देवी। कहाँ आए हैं अभी यहाँ पे? एक्सरे कर। क्या हुआ एक्सरे वाला में आए थे? बंद है। बंद है। कितना देर से यहाँ आप लोग हैं? दो घंटा से। एक्सरे घर बंद है। क्या नाम हुआ? दौलती देवी। कहाँ पे दिखवाए हैं? पुर्जा वहाँ पे जी, हॉस्पिटल में ही। हाँ। कहाँ आए हैं अभी? हॉस्पिटल हसनपुर। हाँ। पुर्जा है, पुर्जा लेके क्या करने आए हैं? जांच कराना है, एक्सरे कराना है। कितना देर से यहाँ पे हैं? शुक्र से आ रहे हैं। शुक्रवार से यहाँ? हाँ, शुक्रवार से आ रहे हैं। क्या हुआ, एक्सरे नहीं हुआ? नहीं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज नहीं है जी। तो आज अभी आए हैं, अभी तो बंद है। तो अब क्या करें, हम लोग गरीब लोग हैं, उतना 250-100 रुपया भरा करके आते हैं, घूर के जाते हैं, लौट के चल जाते हैं। कई दिन आते हैं और लौट के चल जाते हैं। हाँ, शुक्रवार से आते हैं, मात्र काल रविवार से कल नहीं आए, आज कल 3 दिन हुआ, 3 दिन से घूर घूर जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? जयमाला कुमारी। घर का? मालदा। मालदा।